हम इस वक्त इस ट्रेन पर सवार हैं जो बिल्कुल स्ट्रीट में ऊपर की तरफ जा रही है और इसके जरिए से हम हाइडलबर्ग का पुराना कैसल आज से 1200 समथिंग में बनाया गया था इस कैसल का हम दौरा करेंगे। इसके अलावा हम उसके पहाड़ के ऊपर इजहार अफसोस भी करके वो दर्जन ऊपर जाएगी तो फिर वहाँ पर भी हम लोग जाएंगे और सारा दौरा करके इंशाल्लाह हाइडलबर्ग हमारी नजर के नीचे होगा और हम ऊपर जाएंगे और अच्छा अफनान साहब आप ये बताएं कि आप इस सफ़र में क्या आपके जज्बात हैं और ये जो ट्रेन आप देख रहे हैं और ये ट्रैक है इसके बारे में आप कोई तफसील हाँ हाँ ये हम एक अभी हम बस से आए हैं और ये ट्रेन है जो पहाड़ पर जा रही है। पहाड़ पर एक तकरीबन 800 साल पुराना एक किला है उस किले को हम देखेंगे। उससे ऊपर भी ट्रेन जा रही है जो हमें हाइडलबर्ग की पहाड़ियों में घिरा हुआ है वहाँ में ले जाएगी। यहाँ जो चीज़ हमें नज़र आ रही है वो निज़ाम बहुत ज़्यादा है। टिकट लेने का निज़ाम इतना साफ और शफाफ, सफाई सुथराई। अब अगर हम अपने किसी स्टेशन में होते हैं यहाँ पान की पी के हर दीवार पर होती नहीं, कचरा होता हर तरफ, छिलके पड़े होते। यहाँ पर एक पान की पीक भी आदमी करने के लिए तरस रहा है लेकिन नहीं कर सक रहा और छिलका नज़र नहीं आया के लिए पान होना जरूरी है, पानी नहीं है। और इसका नज़म यानी ये अगर हम लाइन से हम अभी खड़े होते हमने लाइन नहीं लगाई तो ये लोग बहुत बुरी नज़र से देख रहे थे, कह नहीं रहे थे अखलाक से। तो यहाँ इस चीज़ का बड़ा लिहाज होता है कि हर आदमी लाइन पर निज़ाम से वक्त की पाबंदी के साथ एक एक सेकेंड नज़म में जकड़ा हुआ है। ये चीज़ें यहाँ सीखने की हैं। Dear, ये चीज़ें हमें थैंक यू वेरी मच। डियर बहराम खान इफ़ यू वांट टू ऐड एनीथिंग टू सो प्लीज कासल के बाद नो 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 नाउ नाउ और नेवर द ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेरी गुड, इट्स समथिंग टू एस्पायर टू एंड द क्लीनिनेस इज़ समथिंग टू स्पीक अबाउट व्हेन वी गो बैक होम and these people are very particular about their timings. They told us that the train would reach in 20 minutes. Let's see how long it takes to reach the top. And we are going to the castle. It's an ancient castle and they have preserved it very, very well. Thank you very much. Now we have a very famous Sufi saint from South Punjab, Sheikh Muin Jamali. And now we am I am asking him what about, what is your opinion about this trip? It's very good. I am very excited, and this all trip was very learning, very good, very interesting. Now we are going to a historical place, historical castle, and this train will pass from hillside. And I listened that it is very interesting. I hope that we all will watch. And the brother Usman, what are your opinion about the trip? It was very good, and everyone was talking about the positive aspects of the trip after Germany. But I miss my Lota very much. They don't have Lota in their washrooms. Oh no! It's a real problem. And the pressure of the shower is very low, so I can't enjoy bathing there. You have spoiled our video. No, so one man should have been talk about negative aspects. Okay, thank you. So and what about your eyesight and the style of your anak is very, very awkward. You know, it looks like a philosopher, like you want to be. Oh, it's right. Now, you know, please. So he is the real philosopher. In the end, I conclude. अब हम यहाँ ये ट्रेन चल पड़ी है और ये इस तरह बुलंदी पे चढ़ती चली जा रही है। अगर आप कैमरा उस तरफ लगाएं तो सामने देखेंगे, नाज़रीन ये देखें, ये पहाड़ पे अब बुलंद होती चली जा रही है और उस पर शीशा इस्तेमाल किया गया सारे का सारा और इंसान बड़े खूबसूरती से इस ट्रेन के अंदर पहाड़ चढ़ भी जाता है, उसे थकावट भी नहीं होती और हुस्न और खूबसूरती के नज़ारे भी रास्ते में आएंगे। तो इट्स अ वेरी गुड एंड प्लेजेंट एनवायरनमेंट फॉर अस एंड इट्स ऑल ओके। कैमरा मैन उस्मान के साथ मोहिद्दीन लफाफा न्यूज़।